पश्चिम मध्य प्रदेश के धार मऊ लोकसभा क्षेत्र में आज सुबह से ही मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखा गया। सुबह 7 बजे से बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे और जमकर मतदान किया। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई वैसे वैसे मतदान में कमी आई और दोपहर 3 बजे बाद फिर बचे हुए मतदाता मतदान करने पहुंचे और शाम होते होते धार मऊ लोकसभा क्षेत्र का मतदान प्रतिशत लगभग 70% पहुँच चुका है। वहीं आज दिन भर शांतिपूर्ण मतदान हुआ, कहीं कोई अप्रिय घटना के समाचार नहीं हुए। मतदान की गोपनीयता भंग करने के 2 प्रकरण दर्ज किए गए, एक राजगढ़ में तो दूसरा अमझेरा में। दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। दोनों प्रकरणों में आरोपियों ने अपने मत को डालने की जो प्रक्रिया थी उसको वायरल कर दिया गया था। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। भाजपा से छत्र सिंह दरबार चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस से दिनेश गिरवाल भाग्य आजमा रहे हैं। आज दोनों ने अपने अपने ग्राम में पहुंचकर वोटिंग की। दिन भर वोटिंग परसेंटेज के लिए राजनीतिक दल जहां सक्रिय रहे वहीं आम मतदाता भी जोश जुनून में देखा गया। आदिवासी सीटें कुक्षी, मनावर, सरदारपुर, गंदवानी और मनावर और धर्मपुरी में ज़बरदस्त वोटिंग का जो परसेंटेज सामने आया है उससे दोनों राजनीतिक दल उत्साहित हैं। वहीं सामान्य विधानसभा सीटें बदनावर, महू और धार, यहाँ पर भी बम्पर वोटिंग से दोनों पार्टियों के नेता अपने आप को उत्साहित महसूस कर रहे हैं। इसमें बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज को दोनों राजनीतिक पार्टियाँ अपने पक्ष में बता रही हैं। इसी प्रकार कुक्षी में BLO चोंगड़ की हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया, क्योंकि कल जब वो ड्यूटी पर पहुँचे थे तब उन्हें सीने में दर्द उठा था, उन्हें तत्काल बड़वानी रेफर किया, आज दोपहर में उनकी डेथ हो गई। इस प्रकार धार जिले में कोई बड़ी अप्रिय घटना के समाचार नहीं है और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ।